पे एक नॉक भी आ चुका है, बिल्कुल वहां पे एक नॉक यहाँ पे आ चुका है। क्रेटोस की बात करें, उन्होंने डीपी का शॉट दिया, पाफ किलो वहां पे डाउन किया गया। दलजीत की बात करें, वो भी यहाँ पे डाउन जरूर है, बट हाइड्रा के प्लेयर्स की आप बात करें, एक प्लेयर को बचाने के लिए वो वापस जरूर आए, बट शायद यहाँ पे हाइड्रा के प्लेयर्स को मुश्किलें हो सकती है और वो चीज हमें देखने को मिलेगी। ऋषभ यहाँ पे क्रेटोस के द्वारा डाउन किए गए, रात की बात करें वो यहाँ पे मौजूद जरूर है, बट एक अच्छा ग्रेनेड कुक किया जा रहा है। मुझे लगता है हाइड्रा की स्क्वाड यहाँ पे गलती जरूर कर चुकी है, एक प्लेयर को बचाने के चक्कर में दो और एक्स्ट्रा प्लेयर वो यहाँ पे खो चुके हैं। हाइड्रा बहुत ज्यादा मुश्किल में, मुझे लगता है मात्र एक लौटा प्लेयर उनका यहाँ पे सरवाइव करेगा। बिल्कुल नगेट अकेले बचेंगे अपनी टीम से, देखते हैं क्या वो बचाने के लिए आते हैं या फिर यहाँ से निकलेंगे और प्लेसमेंट पॉइंट के लिए खेलना पसंद करेंगे। नगेट को अब यहाँ से इस फाइट को डिसएंगेज करना ही पड़ेगा मेजी, बिकॉज रिवाइवल का कोई भी वहां पर चांस नहीं बचा। रैश जो है उनको इजिली पिक ऑफ कर लिया जाएगा। और आप देखिए तीन प्लेयर्स इतने अर्ली स्टेज ऑफ मैच में लूज कर दिया है यहाँ पे टीम हाइड्रा ऑफिशियल ने। एक प्लेयर वहां पर नॉक था, जो बाकी के प्लेयर्स थे वो एक सेफ एंड पे जरूर से थे, बट अगेन कई बार ऐसा होता है कि एक प्लेयर को बचाने के चक्कर में आपके जो बाकी के प्लेयर्स हैं उनको भी